वेलकम बैक एवरीवन टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ जी टाउन मुंडा। आई नो काफी टाइम से मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई है और सरप्राइजिंगली काफी लोग वीडियो की वेट भी कर रहे थे। काफी लोगों ने मेरे को बोला कि आप और वीडियो बनाओ, तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड बिकॉज मैंने तो काफी शॉर्ट पीरियड के लिए बनाई थी अर्लियर दिस ईयर, जब मैंने अपनी फर्स्ट कार ली थी तो कुछ वीडियोज बनाई थी उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद आई गॉट बिजी विद वर्क, इधर उधर बिजी हो गया। बट आप मेरा भी मन कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं और आज का दिन भी काफी बड़ा दिन है बेसिकली, तो मेरे को लगा यार वापस नो बेटर डे टू कम बैक टू यूट्यूब देन टुडे। सो मैं अभी बैठा हूँ अपनी फर्स्ट कार में जो मैंने मार्च में ली थी और जिसके बेसिस पे मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई थी। तो अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल हिकअप दैट आई हैड, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई है। देखो अब ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर्स होने वाले, तो आई टॉक अबाउट द थार इन द लेटर अपकमिंग वीडियोस, बट आज की वीडियो इज नॉट अबाउट द थार। टुडेज वीडियो इज अबाउट टेकिंग अ ब्रांड न्यू डिलीवरी और हम लेने जा रहे हैं ग्रैंड विटारा। अब मैं उसका सस्पेंस नहीं रख रहा बिकॉज आप वीडियो के टाइटल में तो एनीवे समझ ही जाओगे कौन सी गाड़ी है। तो वो मेरी नहीं है, वो ऋषभ की गाड़ी है, बट एक ही बात है, मतलब मेरी ही गाड़ी है क्योंकि जब मैंने मार्च से अपनी फर्स्ट कार ली थी तो वो काफी बड़ा माइलस्टोन था, सबके लिए होता है फर्स्ट गाड़ी लेना। वैसे ऋषभ अब मेरा बचपन से दोस्त है, ऋषभ 20 साल से भी ज्यादा हो गए, तो अब उसकी भी फर्स्ट कार आ रही है, काफी उसने रिसर्च करी है और 10-15 लाख के बजट में जितनी भी गाड़ियां हैं उसने देखी हैं। तो मैं कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगा कि जो लोग इस बजट के बीच में गाड़ियां लेने की सोच रहे हैं, बिकॉज उसने इतनी थॉरो रिसर्च करी है, फाइनली वो ग्रैंड विटारे पे पहुंचा है, क्यों पहुंचा है। तो अभी मैं जिम करने जा रहा हूँ, उसके बाद आई विल बी बैक एंड नेक्सा जाएंगे, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करेंगे, क्योंकि अब मैंने महिंद्रा में तो धक्के खा के इतना सब कुछ सीख लिया है, तो ऋषभ की हेल्प करेंगे इंश्योरेंस में, पीडीआई में, जो भी डिलीवरी के फॉर्मेलिटीज एंड ऑल होती है, एंड फाइनली फिर हम नई गाड़ी में आज ड्राइव करेंगे। सी यू सून। पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ पे आप देखो भाई स्कॉर्पियो का क्रेज देखो आप, एक स्कॉर्पियो, दो स्कॉर्पियो, तीन स्कॉर्पियो। मेरे को तो पर्सनली बताऊं तो ये बेस्ट लगती थी, मतलब थार लेने से पहले भी मेरा ये स्कॉर्पियो लेने का ही मन था, बट फिर थार आ गई तो मूड चेंज हो गया। बट इनिशियली लाइक हमेशा से मेरा मन इस पे ही था। ये देखो एक और, यहाँ पे एक और खड़ी हुई है, तो आई थिंक जिम में तो लोगों की फेवरेट है ये। चलो ऊपर चलते हैं जिम में। वर्कआउट डन हो गया फाइनली, चलते हैं वापस घर। काफी फुल स्वेटी सीन्स हो गया भाई, एक घंटा फुल कार्डियो। अभी आ गए गाड़ी पे, जल्दी से चलते हैं वापस घर। जाके प्लान है कि जल्दी से बस रेडी होना है और फिर कार की डिलीवरी के लिए निकलना है, फिर नेक्सा पे मिलते हैं आपको। आ गए ऋषभ को पिक करने, आ गया ऋषभ भी। और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई बढ़िया। तू तो भाई ऐसे रेडी हुआ है, पूरा शादी में जा रहा है जैसे। भाई पहली गाड़ी है मतलब लौंडे की। क्या बात है क्या बात है, मुबारक हो, मुबारक, कांग्रेचुलेशंस भाई। एक्साइटमेंट लेवल कितनी है भाई ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100? भाई 1000। चल चलते हैं, बात हो गई उससे? बात हो गई, खड़ी है डिलीवरी साइट पे। बिल्कुल भाई, हम तब तक गर्मी में देखो क्या, 1:17 हो गए हैं। पहले हमने सोचा था 10 बजे लेंगे डिलीवरी। चार्जर वगैरह रख लिए, वो प्लग्स वगैरह चेक करने के लिए चार्जिंग। हाँ चल अब जाके जल्दी से चलते हैं, यहाँ से 10 मिनट ही दूर है, और जाके जल्दी से पीडीएस शुरू करते हैं, उसके बाद आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे क्या क्या स्टेप्स हैं डिलीवरी में इन्वॉल्व। चले बिडू। यस ब्रो, टच लोड। आ गए हम नेक्सा पे और गाड़ी बिल्कुल सामने ही लगी हुई है डिलीवरी के लिए। एक वॉक अराउंड आपको देता हूँ पहले, फिर हम घुसेंगे इसका पीडीआई करने के लिए।
नई गाड़ी की ना फील ही अलग है, पूरी इन्होंने पॉलिश कर रखी है, देख रहे हैं। कैसा लग रहा भाई? करो स्टार्ट। हाँ जी, जय माता दी। नारियल थोड़ा आगे जाके, नारियल नारियल तो लाए नहीं हम। उसकी चाबी कहाँ गई? चाबी ये देखो, इसके काफी इंटीरियर का ये जो डुअल टोन कलर है काफी अच्छा लग रहा है। हेलो, स्पेस भी है यहाँ अच्छी खासी। हेलो, हाँ जी, फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज प्लग वाटर इमीडिएटली। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। स्टीरियो माउंटेड कंट्रोल्स, हाँ ठीक है। पीछे भी सीट कवर्स सेम है। ऋषभ कह रहा है गाड़ी लेके निकलते हैं, पेमेंट करी नहीं है। चाबी है हमारे पास, गाड़ी है हमारे पास, क्या चाहिए? सब पीछे पड़ जाएंगे मारुति वाले। दो सॉरी ब्रदर। हेलो, हाँ जी। तो अभी हम गाड़ी के जो पूरे फीचर्स हैं वो आराम से गाड़ी को घर ले जाके उसके अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हमारा फोकस, गर्मी भी हो रही है तो हमारा फोकस वही है कि हम पीडीआई कवर कर लें इस वीडियो में और डिलीवरी लेके निकल लें गाड़ी को। तो सबसे पहले हमने सोचा था कि हम टायर चेक करेंगे कि सितंबर मंथ के ही होने चाहिए। तो बाहर चलते हैं और सबसे एक एक करके सारी चीज़ों की पीडीआई स्टार्ट करते हैं। आप नोट करते रहना, कहीं कुछ भी क्वेश्चंस हो आपको या सजेशंस या कुछ भी हो तो कमेंट में डाल देना। आप कुछ हमसे छूट जाए तो वो भी बता देना, बाद में आके लड़ लेंगे इनसे, है ना। चलो ओके, शुरू करते हैं बाहर से। एक बस फाइनल लुक और दे दूं अंदर की। ये ऋषभ को भाई सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी देखो बंदे की, पीडीआई के नाम पे ये अपना बोट का चार्जर खरीद के लाया है और ये प्लग चेक कर रहा है कि भाई गाड़ी में चार्जिंग तो होती रहनी चाहिए, फोन चार्ज होना चाहिए बंदे का। टीम्स पे इसकी कॉल ना रुके ऑफिस की। हो रहा है भाई, अरे सिस्टम बस हो गई, और कुछ नहीं चाहिए भाई, इसलिए तो ली थी गाड़ी, बस फोन चार्ज हो जाए। चलो आजा बाहर चले, हम सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि टायर कौन से मंथ का है और कौन से ईयर का है। तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ पर है भाई। यहाँ पे लिखा है 34/23, तो 34 मतलब 34th वीक एंड 2023, तो 34th वीक पड़ता है अगस्त में। 21st August, 27th August, तो मतलब लास्ट वीक ऑफ अगस्त हो गया बेसिकली। तो हमने चारों टायर का चेक किया है, तीन टायर का 34/23 है और एक टायर का 35 है। एक तो पीछे को चेक कर लेते हैं, पीछे वाला और। बूट स्पेस देख लो आप कार में, मैसिव बूट स्पेस है भाई। इसका क्या है, थर्टी फोर ट्वेंटी थ्री। तो हमारे चार टायर 34th वीक के हैं, एक 35th वीक का है। ये हम एक बार पूछ लेते हैं जो भी यहाँ पे बंदा है उससे कि क्या सीन क्या है। तो भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है यार, क्या बताऊँ। मतलब अभी पीडीआई को ना थोड़ा पॉज किया है हमने, अंदर आके एसी में बैठे हैं थोड़ी देर, और बाहर आप देख सकते हैं अभी ऋषभ उनसे पूछ रहे हैं कि जो अभी हमने डिस्कवर किया है कि चार टायर इनके 34th वीक के हैं और एक टायर पीछे वाला 35th वीक का है, तो क्या वो कंसिस्टेंट होना चाहिए या फिर सही है या गलत है। बेसिकली जो भी एक्सप्लेनेशन ये देंगे फिर आपको बताते हैं अभी थोड़ी देर में। पूछो तूने अलग अलग मंथ्स का क्या कह रहे हो? हाँ, वो कह रहे हैं कि मतलब वैसे तो एक हफ्ते का फर्क है कि मतलब सितंबर की गाड़ी है। हाँ। तो वो 27th अगस्त वाले वीक का टायर है, बाकी चार एक टायर जो 35/23 है वो तो करंट मंथ का ही है सितंबर का। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि 35th वीक सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाता है, बाकी अगस्त एंड के, बाकी अगस्त एंड के। तो वैसे तो ज्यादा फर्क भी नहीं होता अगर हमें 34th भी होता है। हाँ। बट मैंने कहा कि अलग अलग क्यों है, कि एक टायर अलग क्यों है, बाकी चार तक नहीं मिला के 34। तो वो कह रहे हैं कि अब ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर इज नॉट सेम एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, तो वो एक आध हफ्ते का वो गैप हो भी सकता है। ये भी तो हो सकता है कि मतलब उन्होंने तीन टायर जैसे तेरे गाड़ी में लगाए हो, उसके अंदर भी। हाँ। उसके बाद उनकी कोई छुट्टी आ गई हो, फिर जब अगले दिन आए तो अगला हफ्ता स्टार्ट हो गया। दोनों सेम है ना, फुल्ली फंक्शनल कीज है।
बढ़िया है, चाबी भी निकल गई इसकी। चाबी गाइस बहुत महंगी होती है, अभी रिसेंटली मैंने क्रेटा की लूज करी थी, तो इसको लूज ना करें। तो बाहर की पीढ़ी आपको हमने बता दी है, अब अंदर सबसे पहले हम देखते हैं ये चारों पावर विंडोज काम कर रही हैं या नहीं, अटक अटक के तो नहीं चल रही, तो तू एक एक करके चारों विंडोज जल्दी जल्दी चेक कर ले। ये तो तूने ORVM चेक कर लिया, ये भी चेक करने के हैं कि ये ऑटोमेटिक ढंग से फोल्ड अनफोल्ड हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद लेफ्ट और राइट दोनों के एडजस्टमेंट्स करके देख लो आप, साइड मिरर के जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स हैं वहाँ पे डोर में, वो ढंग से एडजस्ट हो रहे हैं या नहीं। ऑल्दो ये मैंने कल चेक कर लिया था, तो अब चारों ये तो विंडो लॉक है। हाँ देखो कोई विंडो, हाँ ये तो मास्टर है, हाँ लॉक अनलॉक हो गया, लॉक अनलॉक चेक हो गया। अब ये लेफ्ट विंडो हो गई डाउन, हाँ ठीक है। और पीछे भी दोनों, पीछे के भी विंडोज ऑटोमेटिक विंडोज देख रही है, ढंग से चल रही हैं, कुछ अटक नहीं रही है। और मास्टर विंडो ऑटोमेटिक वन पुश अप एंड डाउन है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, हमने ये ब्लिंकर्स चेक कर लिए हैं इसके, एसी का। अभी कार के ये वाले फीचर, तो ये वाले फीचर में बाद में आते, क्योंकि इसके लिए मोबाइल वगैरह कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो मैं तब तक ये करूँ, ये क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप वाइपर चेक कर लो गाइस, ये पानी वाले ढंग से आ रहे हैं या नहीं। ओहो नाइस भाई, क्या बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लीन। जैसे XUV300 में क्या है ना, वो पानी और वाइपर एक साथ चलाता है, तो कभी कभार क्या होता है पानी पहुंचता नहीं तो वाइपर खराब कर देता है। ये एक सेकंड का जो लैग आ रहा है ना, पानी पहले और उसके बाद वाइपर, एक बार और चलाइए लास्ट, हाँ थोड़ा लैग है, मतलब पानी ज्यादा जल्दी आ रहा है और वाइपर उसके बाद चल रहा है। चलो बस ठीक है, बढ़िया साफ ही थी वैसे तो, हमने और वो कर दिया शीशा। बट इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट एक बार हॉर्न भी चेक कर लेते हैं कि हॉर्न में थोड़ा साउंड थोड़ा सा मतलब इतना खराब नहीं हो। हॉर्न तो भाई फ्रेश एंड क्रिस्प है एकदम, ठीक है। एसी हमने चेक कर लिए थे, ये चेक करना है मेन, ये भी बता कि कितने किलोमीटर चली है गाड़ी। सो इसमें ये यहाँ पे सारे ऑप्शन है अलग अलग, नीचे आ रहा है 15 किलोमीटर यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा अच्छा वो स्टार्टिंग से ही हर एक स्क्रीन में आ रहा है। तो ये गाड़ी 15 किलोमीटर चली है, एक्सेप्टेबल मतलब 50 तक ही एक्सेप्टेबल होता है, अगर 50 से ऊपर है तो देन यू शुड आस्क द डीलरशिप के क्या रीजन है कि वो 50 से ज्यादा चली है। नॉर्मली अगर कहीं और ये जो ड्राइविंग टाइम आ रहा है 2 hour 42, ये वो नहीं है कि चली कितनी है, ये जब भी गाड़ी ऑन भी तो आप देख रहे हैं कि चल रहा है टाइमर, तो ये सिर्फ उसका है कि गाड़ी ऑन में भी वो ड्राइविंग टाइम, आधे घंटे तो हमने ही लगाए हैं कल। हैंड ब्रेक सब सही है ना, आगे जा रही है वो, बस एकदम से ऊपर कर दी मैंने, हाँ। उसके बाद ये अपना आर्मरेस्ट हो गया, बीच में आर्मरेस्ट भी सब ऑल गुड, ठीक है। उसके बाद रिवर्स कैमरा देख लो आपके, वो ढंग से आ रहा है या नहीं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, सारे फीचर्स तो हम आराम से डिटेल ग्रैंड विटारा का बाद में बनाएंगे, क्योंकि इतनी गर्मी है यहाँ पे, अभी हम बस सब चेक कर रहे हैं कि चल रहा है या नहीं। उसका ये एक और कलर है चेरी रेड, पहले ऋषभ यही लेने वाला था, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब ट्रेडिशनल वाइट से हटकर काफ़ी यूनिक सा कलर है। बताना आप कमेंट्स में आपको ये ज़्यादा अच्छा लगा या वाइट कलर। अब बस थोड़ा फाइनल डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं हम, पैसे वैसे हमारी बात हो गई है, अभी कुछ पेमेंट से रिलेटेड है, GST या कुछ उनको डाउट था। और अब क्या भाई आगे क्या रहेगा सिस्टम, बस पेमेंट के लिए ऑथराइज कर देंगे, उसके बाद गाड़ी लेके जुमजुम, बस जुमजुम हो लेंगे हम काफी जल्दी। ये चेरी रेड दिखा दे, हाँ ये दिखा दी मैंने, ये भी अच्छी लग रही है। इनका शोरूम ऐसा खाली खाली सा क्यों लग रहा है, मैं बुक रहा हूं आज जब भी इसकी गाड़ी सड़क पे खड़ी हुई है कह रहे हैं मेरे लिए खाली कर रहा है शोरूम, गाड़ी भाड़ लगा रखी है। चलो भाई जल्दी निपट गया हमारा सब कुछ, है ना, पीडिया वीडिया तो पेमेंट ही नहीं हुई, कैसे निपट गया, मतलब जो हमें करना था वो हो गया, अंदर की छोटी छोटी चीजें बची हैं बस, थोड़ी देर में पानी वाली पी के वापस जाएंगे।
फिर कंटिन्यू करेंगे। पीडीआई का अब एक लास्ट चीज है कि हम इसको नीचे से भी हमने झुक के देख लिया पूरा अच्छे से। आप भी चेक कर लो अपनी गाड़ी कभी जब नहीं ले रहे हो कि नीचे से कुछ ऐसे विजिबल डैमेज नहीं होना चाहिए। पीछे से भी हमने देख लिया और आगे से भी साइड से भी ऋषभ चेक कर रहा है कि कोई कुछ हैंगिंग ना हो या इसकी जो स्किड प्लेट है वो टेढ़ी ना हो। अंडर बॉडी प्रोटेक्शन होती है कुछ गाड़ियों में, वो जैसे मेरी थार में टेढ़ी थी, तो इसका तो ऑल गुड है भाई सब कुछ। आगे लोगो देख यार कितना ह्यूज है और पीछे भी ये जो स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ है ना काफ़ी अच्छा लगता है। पीछे इस पर ऐसा सच कोई मॉडल इंडिकेटेड नहीं है, बस काफ़ी सेक्सी ये ग्रैंड विटारा लिखा है, सुजुकी का साइन है और स्मार्ट हाइब्रिड। बूट स्पेस तो कितनी बता रहा था, ऑलमोस्ट 400 लीटर है, 386 लीटर है। ये वाली जो स्पेस होती है ना साइड वाली, ये उसके लिए होती है कि जो अगर तूने पीछे के हेडरेस्ट निकालने हैं तो वो इसमें रख सकता है। हाय हाय मेरे को नहीं पता पानी की बोतल क्या रहा होगा हाइड्रेशन के लिए। तो हमने अपनी सारी पीडीआई कर ली है, मतलब टायर से शुरू हुए थे, अंडर बॉडी देख लिया, एक्सटर्नल फीचर्स देख लिए, इंटरनल थोड़े बहुत इंटरनल देखने बचे हैं लेकिन वो हम कल भी देख ही चुके थे प्रीटी मच। अब बस एक लास्ट में इन्होंने हमें ये दिया कि ग्रैंड विटारा डेल्टा है ये, उसके क्या क्या एक्सेसरीज हैं। तो अभी मैं और ऋषभ बैठ के देखेंगे भाई इसमें क्या हमें कुछ अगर काम का लगता है ये ले तो। और एक इन्होंने ये दिया है कि इन्होंने ग्रैंड विटारा का कॉम्बो बनाया है, मतलब ये सिग्मा, अरे भाई इसको क्या दौरे पड़ रहे हैं, अरे म्यूट कर भाई। तो ये कॉम्बो है बेसिकली चारों मॉडल के लिए जो अप्लाई होता है, सिग्मा डेल्टा जीटा अल्फा। इसमें मतलब इन्होंने बहुत सारी जो नेसेसरी वो है, नेसेसरी क्या मतलब जो काम की चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली उसका टोटल बनता है अराउंड 42,000। तो उस पर इन्होंने 16% डिस्काउंट लगा के 34,000 दे रखा है। अभी मैं और ऋषभ एनालाइज करेंगे और अगर हमें कुछ भी ढंग का लगता है, कॉम्बो तो खैर हम नहीं लेंगे, इसमें से कुछ हमें एक आधी चीज़ें ठीक लगती हैं तो फिर आपको बताते हैं हम थोड़ी देर में। हम भूल गए थे गाड़ी में पीछे भी दो सीट है, तो ऋषभ पीछे बैठ के देख रहा है कैसी लग रही है भाई स्पेस, लेग स्पेस तो भाई बहुत है। मैं अपनी मतलब अपनी हाइट के हिसाब से मतलब आगे की बैठी सीट, हाँ तो मतलब ऐसा लग रहा है बहुत जगह, मतलब दो दो छोटे छोटे लोग तो आराम से आ सकते हैं, दो मीडियम लोग तो बहुत आराम से आ सकते हैं। अच्छा ये भी एडजस्ट हो जाता है आगे पीछे, नहीं स्मूथ है काफी। और पीछे भी इसमें रियर एसी भी है। और कुछ है पीछे चेक करने का, आर्मरेस्ट देख लिया तो नहीं, पीछे लाइट्स भी हैं, दूसरी तरफ भी मिल जाती हैं लाइट्स, बस सब हो गया एकदम सेट। पेमेंट करके मैं तो कह रहा हूँ अभी गाड़ी लेके निकल लेते हैं। फाइनली डिलीवरी के लिए कार चल रही है, आ गई है ऑल सेट फॉर डिलीवरी। ऋषभ के पेरेंट्स और उसके भाई भी आ गए हैं और बस अब थोड़ी देर में लेंगे हम इसकी डिलीवरी। गाड़ी पूरी सच चुकी है डिलीवरी के लिए, बस इसमें अब वो 4-5 लीटर पेट्रोल डालेंगे एंड उसके बाद कपड़े से ढक देंगे। और फाइनली काफ़ी देर लग गई है हमें, बस आपको फाइनली दिखा रहा हूँ के बाद उसको ढक देंगे। नंबर प्लेट भी लग चुकी है टेम्प्रेरी, और अब जैसे मैं आपको बता रहा था इसमें बस पेट्रोल जा रहा है क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट खत्म ही है इसमें, पर आज के बाद कभी खत्म रहेगा नहीं। नॉर्मली लोग आपको कपड़ा हटाते हुए दिखाते हैं लेकिन ये ऐसा ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव व्लॉग है, ये एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए, आपको कोई नहीं मिलेगा YouTube पे। एक तो इनको बोलते हैं थोड़ी लाइट साइट्स ऑन करें है ना। Congratulations, uncle.
और लोग मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस आंटी, कंग्रेचुलेशंस भैया। अब कौन निकालेगा, अंकल निकालेंगे या ऋषभ निकालेगा? नहीं, कोई भी निकाल लेगा। चलो अब थोड़ी सी फोटोज लेंगे और फिर निकालेंगे गाड़ी को। बस अब गाड़ी को निकाल रहे हैं फाइनली नीचे। सामने आप पीछे देख सकते हैं सब क्लियर हो गए। अंकल और ऋषभ बैठ गए गाड़ी में और भाई भी। बस अब धीरे धीरे लाएंगे नीचे। फाइनली द बिग मोमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग। यहाँ पे आज की वीडियो ख़त्म करते हैं और फाइनली अब घर जाएंगे। शाम को देखते हैं, सब लोग मिलेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे। तो पूरी डिलीवरी विलीवरी फाइनली हमारी ढंग से हो गई है। 6 ही बज गए ऑलमोस्ट, बट काफ़ी खुश हैं सब। मैं भी चलाऊँगा कुछ टाइम के बाद और आपको अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताऊँगा। अभी के लिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी टाउन मुंडा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।